us experience dass wir alles was erfahren, uh, und was hören, wir haben gehört ja, ge was wir alles was wir gehört beobachtet und erfahren haben dass wir das teilen sollen and if we don't share aber wenn wir das nicht teilen we are responsible in spiritual world sind wir dafür verantwortlich in der geistigen welt and this must not happen und das darf nicht passieren yeah. this is very important... und das ist sehr wichtig okay whenever the time is right i told the person when i speak with them what i have also seen. Time will be never right. Nein, I mean, ich meine, wenn ich in der, mit Menschen spreche, dann erzähle ich denen okay. das. Okay, gut. Yes. Hm? We make sure that we make a time right. Wir müssen hm. sicher gehen, dass wir die richtige Zeit ausmachen. Und ich möchte hm. ein Interview in India. Und ich möchte mit dir ein Interview für Indien machen. Aber ich, äh, ich machte, äh, das, äh, ich bleib.

मैं व्हाट्सएप दे दूंगा आपको हाँ जी आप प्लीज मुझे वो दे दीजिएगा जी बहुत शुक्रिया वा, मैंने वादा किया खुदा से मैंने इनको अलहदा कर दिया इस डिपार्टमेंट को जी जी मैं सम, मैं आपने बताया था जी तो इसमें मुझे चलो ठीक है अच्छा आज जी जी, जी... मैं समझ समझ गया था मैं सर सारी समझ अब कोई अगला आएगा तो कौन लेगा अतः जी मैं और मलूद साहब हैं वो कहाँ है दूसरा हमारा अबू बकर वो, वो कहाँ है, अच्छा है।, है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो आज जो मैंने आपसे बातें करनी है मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं दो तीन दिन यहाँ पे नहीं था तो रस्ते में था तो मेरी एक मीटिंग थी जिसमें स्कोलोजिस्ट नफसी अमराज के लोग डॉक्टर तो उसमें प्रोफेसर साहब भी थे फिलोसफी के और बहुत से लोग थे तो जो ख़ास हमारे लीडिंग पोजीशन में तो मैंने महसूस किया कि उनके समेत हमारे जो नबी हैं फिलहाल उनको भी ख़ास मालूमात नहीं हो सकी कि कौन सी चाबी कहाँ लगती है आप देखें ना आपके अपार्टमेंट की चाबी हो और आप खोलना शुरू कर दें मेरे घर का दरवाजा तो खुलेगा नहीं खुलेगा तो एक बहुत बड़ा कंस्यूटर सो थे डे तो एक सूफी ने कहा कि मैंने हर चाबी लगाई लेकिन तेरे दर, तेरे दर का दरवाज़ा नहीं खुला खुदा को कह रहा है। तो मैं बुड्ढा हो गया कौन कौन सी चाबियाँ मैंने इस्तेमाल नहीं की? ये जब कहा जब बुढ़ा हो गया खुदा ने कहा जब तू मेरी दुनिया में आए तो अपनी चाबियां क्यों इस्तेमाल करता है मेरे घर में आ रहा है और अपनी चाबियां तू इस्तेमाल कर रहा है मुझसे पूछा होता मैं तेरे लिए घर का दरवाजा खोल देता बात समझ लग रही है जी, जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे घर में आना था तो मुझसे पूछा होता तो इस पर ईसा इब्ने बाइबल में कहते हैं जितने भी मुझसे पहले आए नबी सब चोर डाकू थे बात समझने वाली है जी सब चोर डाकू थे और मैं ही हूं जो सही रास्ते से खुदा को मिलने आया हूं इसलिए खुदा ने उसे अपना बेटा कहा तो मुराद ये है चोर दरवाजे से कोई दाखिल हो तो भी चोर क्या लाएगा डाकू कहलाएगा आपको बात समझा रहा हूं मैं थोड़ी सी अच्छा तो वो कह ये रहे थे कि मैं बाप के पास जब आया हूं जब बाप ने दरवाजा खोला जी और नबी भी आए लेकिन धक्कम पहली की रब कब बुलाएगा कब मदद आएगी कब तुम हमें मिलाएगा कब मिलने आएगा तो धक्कम पेली में खुदा मोहब्बत करने वाला फिर मजबूर हो जाता है और मजबूरी ये भी है कि अगर जब नबी ऐसी बातें शुरू कर दें तो फूक निकल रही है फुटबॉल की फूक निकल रही है क्योंकि जब यूं पूछे कोई नबी तेरी मदद कब आएगी फिर ये भी कह दे तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया ऐ बाप देख इतना अरसा हो गया कोई नतयज नहीं निकल रहे तो इससे आप क्या मतलब लेंगे मौसम तो भीगा भीगा है सुहाना लेकिन नबी की फिर ये हालत होती है अब अब तो गिरा अब तो गिरा हाय अल्लाह कि नहीं ट्रेना बाहर से बैठ के बॉक्सिंग देख रहा है और वो एक आंख से जांच लेता है मेरे बॉक्सर का हाल क्या है जी। और जब वो देख लेता है कि बॉक्सर की हालत गैर होती जा रही है उसका कॉन्फिडेंस एतमाद भी खत्म होता जा रहा है तो उसे पता होता है कि कोई भी मुक्का इसको जमीन पे ला देगा तो एक मुक्के बाद जो प्रोफेशनल हो और एक हो जो पैशन हो जनून हो जिसको वो जिसको जुनून होगा वो जीत जाएगा क्योंकि उस अगर वो हार भी जाए तो उसको उस उसने कौन सा कोई चीज़ खो दी है क्या ख्याल है जिसके पास तीन बेल्टे हैं उसको ख़तरा है <laughs> तो बात समझाने के लिए तो मैंने अंदाज़ा लगाया जो हमारे अब नबी हैं ना ये बात उनकी समझ में आ रही है क्योंकि आज मैं एक सुन रहा था वीडियो अतर साहब की तो जब मैं दो तीन दिन नहीं था तो वो मुझे बता रहे थे ये जो छह चाबी हैं ये समझ नहीं आ रही इनको मिसालें दे के समझाए आप तो क्योंकि हर दफ़ा कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो आज मैंने अतर साहब का सुना कि वो बता रहे थे मैंने एक ख्वाब देखी तो मुझे पता लग गया कि अभी छह चाबियां समझ में नहीं आ रही अच्छा यहाँ दो बातें पहले वादे करूंगा फिर मैं बात को लेके आगे चलूंगा मोहम्मद साहब ने कहा ख्वाब जो है वो मोमिन का वो नबूत के चालीस या चालीस हिस्से के बराबर है पहले ये बात समझ लें यानी नबूत वाला कोई रवाया नहीं हो सकती क्योंकि कहा ना कि मैं मेरे बाद कोई नबी नहीं तो जो सदीक हो या सोलहन हो या कोई भी हो उसका ख्वाब चालीसवा हिस्सा गिना जाएगा या चालीसवा हिस्सा जो कह रहे इस वो में नहीं है चालीस या चालीस तो उसे नबूत के बराबर नहीं गिना जाएगा इसलिए नबूत बंद होगी तो फुल कैपेसिटी मोहम्मद साहब कह रहे हैं वो नबियों को है बस अच्छा इस बात को जेन में रखना ताकि हम आगे बात कर सकें एक दिन ईसा इब्ने जक्रिया ने कहा पथरस से जो पहला हवाई है कि ओ पथरस मेरे बाप के बहुत से घर हैं कभी तू मेहमान ठहरा है वहां पे कभी तू देखा वहां जाकर पतरस ने कहा कि ए यसु नासरी उस्ताद ना मैंने देखा ना मैं वहां पहुंचा तो उधर ईसा इब्ने जकरिया जक्रिया ने बात गोलमोल कर दी ये कह के अच्छा तो फिर मैं जाऊंगा और मैं तैयारी करवाऊंगा यानी कि तू अब तो नहीं देख सकता तू कह रहा कि तूने नहीं देखा दो बातें वाजे हो गई कि पथरस गो चौबीस घंटे ईसा के साथ रहता था लेकिन था रूहानी अंधा समझ गए बात आप रूहानी अंधा इस इसलिए बाप के घर को भी नहीं देख सका और बाप का मेहमान भी नहीं ठहरा थे, यहां पर जो क्वालिटी पता लगती है मैार रूहानियत का वो ये है कि रूहानी स्टेज जो है वो शऊर पे आती है किस पे आती है शौर पे शूर पे।, पे दिमाग पे रूहानियत नहीं खुलती अब हम इसी मौजू की तरफ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो मैंने बहुत देखा कि ये बातें अगर खुदा मुझे बिठा के ना समझाता तो ये बातें समझ नहीं लगती क्योंकि मेरा वास्ता पड़ा खुदा से मोहब्बत लाही में तो बोसे दे दे के मेरे माथे के मेरी आँखों के तो मोहब्बत में इंसान बड़ी जल्दी सीख जाता है अच्छा अब दो बातें जेन में रख लें मोहम्मद कह रहे हैं नबी नहीं आ सकता इसलिए मोमिन का ख्वाब सदीक हो सोलिहन हो उसका ख्वाब चालीसवा हिस्सा या चालीसवा हिस्सा है तो आज मैं जब मैं देख रहा था तो ने का मैंने ख्वाब देखी लिहाजा बड़ा ज़रूरी हो गया है कि रूहानियत के अंदर तालीम नहीं होती रूहानियत में इलम मार्फत उसमें एक तजर्बा होता है मुशाहे का तजर्बा होगा तो उसकी स्टेज क्या होगी अगर खुदा के साथ सफर होगा उसकी स्टेज क्या होगी मरहला तो इसलिए मैंने कहा कि छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको आपके पता नहीं किस किस के पास लाइसेंस है लेकिन जर्मनी का ये असूल है कि पहले आपको थ्योरी सिखाई जाती है ठीक है जी मैं सही कह रहा हूं जी सही कह रहा हूं ना ये बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल थ्यूरी सिखाई जाती है थ्योरी में अगर आप फेल हो जाए तो प्रैक्टिकल आपका शुरू नहीं होगा जी ये भी ठीक है अगर आप तीन दफा थ्योरी में फेल हो जाए तो जर्मनी में फिर एक टेस्ट करवाया जाता है उस जो लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है कि वो इडियट तो नहीं है पागल तो नहीं है जी, जी. हम कहते हैं इडियोट अगर यहां पर साहब होंगे गवाही दे देंगे इडियट हाँ जी बिल्कुल ऐसे इसका जी. दिमाग खराब हुआ है तो वो इडियट टेस्ट भी अगर पास ना करे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा उसे ठीक है तो पास कर ली आपने कोई आपको गाड़ी की चाबी देगा कि भाई अब जाओ चलाओ गाड़ी नहीं देख नहीं, नहीं आपके पच्चीस तीस घंटे लगेंगे वो देखेगा कि ये गाड़ी चलाने प्रैक्टिकल में ये इसको राइट का पता है के किसका राइट पहले प्रैक्टिकल आ गई दुनिया ये साइन इसका क्या मतलब है यह साइन है इसका क्या मतलब है तो कई साइन आ जाते हैं गाड़ी चला रहे राइट का पता नहीं दो बंदे भी मार दिए साथ ही तो इसी तरह जहाज का मामला भी है आपने थ्योरी पास कर ली कोई भी आपको चाबी नहीं देगा लो लोजी अब आपने थ्योरी पास कर ली सारे बटनों का पता लग गया आपको तो ये चाबी और अल्लाह का नाम लेके शुरू करें अल्लाह हमारे साथ है तो क्या आप उसके जहाद में बैठेंगे क्या है वो कह रहा है अल्लाह हमारे साथ है नहीं सॉरी वो कसमे खा के कहे अल्लाह मेरे साथ है मैं अपने आप का गौस हूं आप बैठेंगे उसके के इजाज में नहीं कोई बाशा कोई बाशा आदमी तो बिल्कुल नहीं बैठे कह यही कह रहे मैं नबी हूं मुझ पे करो बस बैठ जाओ तो नहीं बैठेंगे आप क्योंकि जान के लाले जहां पे पड़े हो वो आदमी सोचना शुरू कर देता है ठीक है जी बिल्कुल तो कैसे मुमकिन है कि पास पासने की मार्फत इलम नहीं है आपके पास और खुदा कहे कि बस ठीक है तू चालू हो जा और छलांग मार दे पांच पांच फ्लोर से या पहाड़ी से और तू उड़ना शुरू हो जाएगा यह काम खुदा भी नहीं करेगा जी आपके लिए मैंने कई दफा कहा ना कि जनतों में बड़ी यूनिवर्सिटी हैं बताया है मैंने दे, दे, बस, इस पर बड़ा कुछ कहा है मैंने आप खुदा के मेहमान होते हैं अस्सी अस्सी हजार आपको खादम मुहैया करते हैं। मेहमान से मुराद ये नहीं है कि जो मजे करना शुरू कर दे हर जगह मैनेज आते हैं कि कैसे रहना है तो अब हम इन चाबियों की तरफ आते हैं और चाबियों की तरफ जिसम की चाबी पर पहले हम बात करेंगे ताकि बात थोड़ी सी समझ लगनी शुरू हो जाए हमारे ताकि अगली दफा आप ये ना कहें क्योंकि जहां से आप बात कर रहे हैं मैं देख के आया हूं वो ख्वाब नहीं है ठीक है आप उसको यूं कहेंगे कि यह रूहानी सफर था क्या था रूहानी सफर हां ख्वाब थी तो बात नहीं बनेगी ख्वाब है क्या इसका सुन ले पहले जिसम की इबादत की रोए पीटे शियों की तरह और दिखाई कुछ नहीं दे रहा और अंदर से ये तमन्ना और ये भी शिकायत मैं इतना तड़प रहा हूँ फिर भी दिखाई नहीं दे रहा यह कौन सी दुनिया है कौन सी दुनिया जिसम की दुनिया है भाई सही था आपने जिसम से किया ना जी <laughs> आपको समझा दो तभी तो वो कहते हैं वारदाह कर कर सजदे दे कसके मथे ना रब तीरथ ना रब मक्के जिन्हों ने पाई रब दी बहार उनकी हर रात नई बहार है तो इतना बड़ा खोपा सा महराज माथे पे लगवा दिया और लोग समझे भाई क्या बात है ऐसे खुदा नहीं मिलता तो पहले ख्वाबों की किस्में आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपको पता लग जाए जो इबादत आप कर रहे हैं आपकी दुनिया कितनी महदूद या कितनी खुली हुई दुनिया है दिल की खिड़की कुशादा है या बंद है ये मतलब है तो ख्वाबों की तीन किस्में हैं याद रखना कहीं मैं अभी पूछूं तो जी फिर फिर लेक्चर दे दे एक घंटे का बात को समझ के याद रखना है ख्वाबों की तीन किस्में हैं पहली किस्म दुनियाई किस्म के लोग हैं जो दुनिया की फिक्रों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं साथ साथ नमाज़ें भी पढ़ते हैं रात को भी उठ जाते हैं मैंने खुद देखा है कि रात के तहज गुजार भी है लेकिन होता क्या है ये हमने गौर करना है बीस साल से नमाज पढ़े जिसम से नमाज है पच्चीस साल से नमाज पढ़े और दुनियाई फिक्रों को भी साथ साथ घेरा डाला हुआ है तो अक्सर दिन ऐसे गुजरते हैं कि गधों की तरह सोते हैं गधों की तरह उठ जाते हैं काम काज में ये नहीं भी है पांच वक्त के नमाजी ताजत गुजार भी और साथ में दुनियाओं के भंवर लेके भी साथ साथ चलते हैं। तो अक्सर होता ऐसा है कि कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन फिर दूसरी स्टेज पे मामला बदलता है अच्छा दूसरी स्टेज जो है उसे हम कहेंगे इंसान दिल में पशेमान होता है क्या होता है पशेमान कि मैं ये क्या किस दुनिया में फंस गया हूँ चाहता हूँ खुदा से मिलना और ये अल्लाह दीनिया मुझ पर चिपट गई हैं और कमज़ोर होता है तो ख्वाब दिखाई देती है लेकिन कुछ हिस्सा भूल जाते हैं कुछ हिस्सा याद रहता है क्योंकि मैं ठीक बात कर जी बिल्कुल जी बिल्कुल काफ़ी हिस्सा भूल जाते हैं या काफ़ी हिस्सा याद नहीं रहता है? ये पशेमानी की स्टेज है और बताती है कि नफ्स अमारा की दुनिया से जहाँ साथ सब कुछ चल रहा है सब्ज़ी मंडी है नमाज़ें भी पढ़ो रोज़े भी रखो दुनिया में भी फंसो दुनिया की फ़िक्रों में भी फंसो तो ये सेकंड स्टेज है इसमें खुदा और मलाइका चाहते हैं कि जो आप देखें उस मजमून को समझें अब मजमून समझाने वाला कोई भी नहीं वहां पे तो क्या वो ख्वाब आपको कोई फायदा मंद होगी ख्वाब देखी प्रैक्टिकल अभी शुरू नहीं हुआ अभी थ्योरी है लेकिन समझ ही नहीं लग रही जैसे मैं पाकिस्तान में था तो बहुत एक सूफी थे जिनके कई हज़ार मानने वाले तो वो मुझ पर ईमान ले आए अब तो गिबा उन्हें बाद में मार दिया गया उनके चेलों में तो वो कहते हैं कि एक रात एक बड़ी हसीन औरत फर्शत औरत मेरे आंगन में उतरी तो उसने पहले झाड़ू दी क्या की झाड़ू फिर झाड़ू दे के पानी फेंका फिर पूल, फूल फूल रखे और फिर थूक कर फूलों पे चली गई अपने वक्त के सूफी हैं बात समझ में नहीं आ रही तो पता लगा कि थ्योरी तो पास ही नहीं की <coughs> तो प्रैक्टिकल तो बड़ी दूर की बात है जाके शुरू होगा तो मुझे आगे बताया या क्या आपकी बात समझ आ गई या मैं एक दफा बता भी चुका हूं आपको बताया मैंने किसी को नहीं नहीं जरूर पहले नहीं ये वाला नहीं पता जी ये याद नहीं है पहले नहीं मेरे ने याद अच्छा ये नहीं बताया याद नहीं आता तो बहुत अच्छा है ताकि कोरा कागज लेके जाए इस दुनिया से रब पूछे कुछ करके भी आया कि नहीं नहीं मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही लेके आ गया इस पे खुदा का नाम लिखकर कर जाना है कोरा कागज में लेके जाना तू यादें अगर याद नहीं रहेगा तो आगे मार्फते इलाही प्रैक्टिकल दुनिया में दाखिल नहीं हो सकती अच्छा मेरी थ्योरी का यह हाल है कि अगर कुरान लेके बैठ जाए और कोई वाकया बयान करें तो मैं बता दूंगा ये वाकया सच बयान कर रहे हैं या झूठा बयान कर रहे हैं इतनी थ्योरी होनी चाहिए या बाइबल की या दूसरी किताबों की तो आए तो मुझे बताया कि मैं पहले तो ये ख्वाब जारी थी लेकिन फिर मैं उठ के बैठा तो उठ के बैठ गया मैं लेकिन खुली आंखों से ये मैं देख रहा था क्या देख रहा था मैं खुली आंखों से तो अब ये ख्वाब ख्वाब नहीं रही इसके अंदर एक और स्टेज शामिल हो गई है उसे क्या कहते हैं आपने छह चाबियों का कई दफा सुना है मैंने कहा थोड़ा सा तक आपका इम्तिहान भी लेते रहूंगा अब ख्वाब ख्वाब नहीं रही क्योंकि आदमी उठ के बैठ गया और खुली आंखों से वो जारी है मंजर उसमें एक और स्टेज भी आ गई उस स्टेज की चाबी को आप क्या कहेंगे शौर कहेंगे कहेंगे? शौर किसने कहा? कहा। कि, हाँ ये शौरी हालत है जी। जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस तो मामला चला गया है के आधी ख्वाब और आधा शुरू उसमें आ गया तो अब ये ख्वाब नहीं कहेंगे क्योंकि दो चीज़ें शामिल हो गई समझ गए आप जैसे आप जनरल प्रैक्टिस के डॉक्टर भी हो सकते हैं जनरल प्रैक्टिस उसमें फिर जाते हैं लोग कमर में दर्द है यहाँ दर्द है वहां दर्द है तो गोलियाँ शोलियाँ दे के गुजारा करते हैं वो भी हो सकते हैं और आप स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं है, दोनों हो सकते हैं तो एक हालत ख्वाब की जिसम की और उस जिसम के अंदर मिल गया शौर जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस और एक चाबी जो दरमियान की थी वो आपके पास नहीं है होना चाहिए था कि पहले आप दिमागी चाबी को इम्तिहान पास करते हैं। तो कभी आपने देखा एक एक सीढ़ी के चलते कोई ज्यादा स्पोर्टमैन हो वो एक ही जब में दो सीढ़ियां चढ़ जाता है ना? एक ही जब में तीन सीढ़ी चढ़ गया वो तो हारमोनी हारमोनियम का भी यही है है सात सुरे सारे गवा पाता नहीं सा लेकिन जब आप सही बजाना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी तीन चाबियों को छोड़ के चौथी पे आप अपना हाथ मारते हैं। उसकी वजह यह होती है कि आवाज का आहिस्ता और जोर से गाना उसके मुताबिक फिर चाबी पे हाथ पड़ता है। तो छह चाबियों से मुराद ये होगी जो मैं समझाऊंगा कि कभी आप ख्वाब की आखिरी सीढ़ी पे हैं कभी वहां से जंप लगा के शोर की दुनिया में आ गए कुछ कभी आप शोर से पीछे चले गए और दिमागी दुनिया पे आ गए जो खालि फ़िक्र अल्लाह है फिक्र तो फिर लोग कहते हैं जी ये क्या हम तो ये समझे थे कि एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार चार के बाद पाँच पाँच के बाद छः सात अब आपने मामला बिगाड़ दिया और बात समझ में नहीं आ रही एक के बाद चार कह रहे हैं चार के बाद दो कह रहे दो के बाद पाँच पाँच के बाद सात सात के बाद फिर तो ज़ैन लहज हमारा तो वो कहते हैं आंख खुली तो मैं बड़ा हैरान था कि उठ बैठा और खड़ा हो गया भाई अब तो ख्वाब नहीं जा रही और खुली आंखों से मैं ये मामला देख रहा हूं तो आधा जिसम की दुनिया ख्वाब आदि शोर की दुनिया चश्मा उतारो फिर देखो प्यारो प्यारे दुनिया वही है चेहरा पुराना ये मुख्त चश्मे लगेंगे आपको छह चाबियों के तो फिर बात समझ में आएगी क्या अब मैं तीसरा गेर लगा रहा हूं या छठा या छठे से एकदम एक लगा दिया और गाड़ी ढके से रुकेगी फिर तो उन्हें मैंने बताया कि वो जिस जहान से आई है वो हसीना उसने कुछ शरायत रखी है तेरे लिए क्या रखी है शरायत तेरे आंगन में उतरी तो आंगन से मुराद दिल है क्या है दिल। दिल। और अभी तक हमारी जहलीत का यह दौर था कि बाग़ अदन को भी बाग अदन कहीं जन्नत में समझ लेके बैठे हुए बाग अदन से मुराद इंसान कामिल का दिल है ये लेटर बैठे जनतों में है कोई बाग़ अदन वहाँ अम्मा अम्मा या अबा ने खजूर खाई थी या गंदम खाया था हमारी जहलीत की इंतहा हो गई तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी इसलिए दुआ किया करें हकदारा से मोहब्बत इलाही इतनी दे दे कि कम से कम मुशाह मुझाएद मुशाहदात की तो दुनिया शुरू हो कि हम इब्राहिम सारी ज़िंदगी ढूँढते रहे कभी आसमान कभी सूरज कभी चांद कभी सितारे हिंदू भी तो यही करते हैं सूरज चाँद की इबादत करते हैं सूरज चाँद की प्रस्त और ढूंढते ढूंढते फिर वो मिला तो खुदा ने फिर उसको मुशाहिदात कराए ताकि वो कामिल हो जाए तो मैंने कहा वो कुछ रख के गई है कि मैं तेरे आंगन में उतरी हूं मैं तेरे दिल में उतरी हूं अब हम मोहब्बत के बंधन में बंध गए फिर उसने झाड़ू दी तेरे दिल के आंगन में उतरी मुराद ये है कि तुझसे तो उससे वो तुझसे मोहब्बत कर बैठी और फिर उसने झाड़ू दी तो उसने बताया मैं पाक हूं क्या हूं मैं मैं पाक, पाक हूं मुझसे अगर मिलन चाहता है तो तू जब आए जंतों में तू भी पाक हो ना हो कि तू नपाक हो मैं पाक हूं तेरा मेरा मिलन कैसे होगा खबीस जनतों में जा नहीं सकते और तइब का मुकाम दोजक में है नहीं बात समझ में आ रही है हबीसों की दुनिया जो सन अल्जाम तराशियाँ और गंद उछालते रहते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकते तो पहला पैगाम उसने दिया मुझसे मिलना है तो दुनिया में तुझे पाक होना पड़ेगा अगर तू अपनी रूह के अंदर धुआं लेके आया तो तेरा मेरा मिलन कैसे होगा तो मैंने कुछ शेर लिखे थे ना के मैं हूं फलक पे तू है जमी पे खुदा की जात फलक पर जरा करना खबर तू हमारी <स्थारी> ओ मानो न मानो इन बखेरो में रह के मैं आज भी हूं तुम्हारा या तो इन बखेरों में रह के आप आज भी खुदा के हो जाए कैसे ही दुनिया के बिखेरों में हो और दिल खुदा में अटका हो फिर भी बात बन सकती है <laughs> कि तू है फलक पर मैं हूं जमीन पर जरा करना खबर हमारी या तो मेरा दिल भी अटका दे बीवी आई टैक्स के कागजात रखे बात करके समझा के चली गई और मैंने भी हाँ कर दी और मुझे कख समझ नहीं लगी क्योंकि मैं तो दिल में खुदा की ज़ात का मुशाह कर रहा था कख समझ नहीं लगी वो क्या कह रही के, के लिए लोग आए आके बात की हाँ कर दी कख समझ नहीं लगी ऐसे लगा कोई हजारों किलोमीटर से दूर वो पुराने टेलीफोन से मुझसे बात करना चाहता है तो उसने कहा मोहब्बत तो हो गई है लेकिन मेरे पास आना तो पाक होकर आना मुराद क्या नूर लेकर आना जी। समझ गए जी पाकी का मतलब जी, तो नपाको को नूर भी नहीं मिलता है? फिर उसने पानी डाला तो क्या कह रही है कह रही है जिंदगी का पानी भी पी के आना खुदा के हाथ से <laughs> ये भी शर्त रख दी जिंदगी का जाम भी पी के आना जैसे वो शेख अब्दुल कादर जलानी कहता है, आजम मैंने खुदा के हाथ से जाम पिया एमिना आजाना जो जिंदगी का पानी है वाटर ऑफ लाइफ उसका भी कोई जाम पी के है ना मेरे पास वरना हमारा गुजारा नहीं होगा क्योंकि मैंने तो कई जाम पी लिए हैं खुदा की खुदा के हाथ से तू तो ऐम ही चला आ रहा है तो बाज़ीद ने जब कहा खुदा को देखकर कर तू पाक है कालू सुबहाना का तो राम ने वहां एक बात कही बाजीज से मैं तो पाक हूं तू यहाँ क्या कर रहा है वापस जा मैं तो पाक हूं तू ना पाक यहां पे क्या कर रहा है पैगाम दिया खुदा ने फिर जा वापस तो पाक मैं भी हूं और तू भी पाक हो तो फिर मिलन होगा हमारा बात समझ समझ में आ रही तो फिर उसने पानी तेरे आंगन में डाल के फूल रखे भाई कभी फूलों की महक कभी मुरझाती है नहीं फूल मुरझा जाते हैं ठीक है ठीके? और मुरझा भी जाए तो तब भी महक आती रहती है उन फूलों से और फिर अब फिर बाहर आ जाएगी फिर फूलों की महक शुरू हो जाएगी तो उसने कहा ये जो मैं फूल रख के जा रही हूँ हमारी मोहब्बत में कभी जवाल आ भी गया तो जैसे फूलों की महक नहीं जाती ऐसे हमारी रूह की महक भी ना जाए थोड़ी सी खिजा आके गुजर गई फिर बाहर आ जाए फिर बाहर आ जाए यानी कि सदा बहार हमारी रू की खुशबू रहें और फिर ऊपर थूक दिया उसने अच्छा अगर आज ये मजमून ख़त्म ना हुआ तो इसी मजमून को अगली दफा फिर शुरू करेंगे इनका नाम होगा छह चाबियाँ जी फिर थूक दिया इससे मुराद क्या लेंगे आप कभी आपने सोचा इससे मुराद क्या लेंगे आप बताएं ज़रा बड़े बड़े दानश्वर बैठे हुए करीब आ गए थोड़ा सा और कोई बताए जी यही के एक नसीहत करके चली गई कि तुम किस सूरत में वहां आना चलो ये भी थोड़ा सा कभी जिंदगी से सबक सीख लिया करें जब हम किसी की तरफ मुंह करके थूकते हैं तो क्या मुराद होती है जी रिजेक्शन आप हमारी लड़ाई हो रही मेरी मैं थूक दूं आपके ऊपर क्या मतलब जिंदगी जिंदगी हमें बड़ा कुछ सिखाती है थोड़ा सा इस जिंदगी से भी सीख आपकी मेरा झगड़ा हो गया मैं भी गुस्से में आपकी गुस्से में मैंने थूक दिया आपके ऊपर संदनी आई बात है या रतिया रिजेक्ट कर दिया जैसे गुस्से जलाल में थूका ये कि तेरी ये औरत है ठीक है थूका जो के लग दी लान तेरे पे तो उसने थूक दिया अगर इन शरायत के साथ ना मिला ना ताल्लुक तो गया लेकिन साथ पे लान तेरे पर जैसे सुनते नहीं हमारे मुसलमानों में लानते दे नबी भी लानते दे रहे, दे रहे कि नहीं दे रहे वो कह रहे हैं उस पर लानत हो अली कह रहे उस पर लानत हो ये लानतों का सिलसिला अभी तक चला हुआ है तो वो भी कह गए लाख लानत पे तेरे ऊपर अगर यानी कि शुरू तो कर सका लाई ते गई लेकिन निभाई ना गई <laughs> क्या मतलब <मन्दा? laughs> नबियों का भी ये हुआ है लाई गई एक लाख सैतालीस हजार नबी लाई लेकिन निभाई नहीं गई और यहां ये हाल है कि ना लाई गई तो ना निभाई गई दोनों काम नहीं हुए अच्छा तो दा दा तो अब स्पीकर को बंद करें प्लीज वालेकुम असल अच्छा तो वो ख्वाब देखा तो ख्वाब में उठकर बैठ कर ये माजरा खुली आंखों से हुआ तो वो दिखा गई कि ये ख्वाब नहीं है तो उठ के बैठ के है देख रहा है तो ये हकीकत है क्या ये है? हकीकत है। तो जिस्मानी इबादात आप कर रहे हैं इससे आप जिसम को आदत डाल रहे हैं कि जिसम का जो स्टेरिंग है स्टेरिंग जो जिसम के अंदर दिल का लोथड़ा है उसको मोड़कर सजदे में खुदा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सजदे में और अगर वो केयरिंग आप नमाज में हैं तज्जत में हैं चाह रहे हैं कि जिसम को ऐसी आदत हो जाए जिसम में एक ऐसी लज्जत आ जाए कि वो खुद ही सजदे से ना उठ सके इसके बर्फ अक्स होता ये है सजदे में है रकू में है और आप साथ साथ सब्जी मंडी में भी पहुंचे हुए नमाज में है साथ साथ टैक्स का और इंश्योरेंस का भी हिसाब किताब करते जा रहे हैं यानी कि सही मौका मिला है हिसाब किताब करने का फजिश इंश्योरेंस का सजदे में है और कहीं और फंसे हुए हैं तो पता लगा कि आपने सजदे का जो जिसम का हक था वो अदा नहीं किया तो रूहानियत पे खाक खुलेगी इसी पे वो इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की है मैं जो सरे ब सईदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा सहिता किया और सारी जमीनी बातें सोच रहे हैं तो इकबाल कह रहे हैं कि सहिता किया तो जमीन से आने लगी सदा सोचे सारी जमीन में जमीनी दुनियाओं की है कि जब कभी मैंने सजदा किया तो ज़मीन से ही आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना मैं जो कभी सरे ब सजदा हुआ ज़मीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तो कितने कितने बुतों को ख्वाहिशात को लेकर सजदा कर, कर रहा है तुझे क्या मिलेगा नमाज में <laughs> तो फिर आपने नमाज का हक अदा नहीं किया कितनी सारी ख्वाहिशात तमन्नाएं फिक्रें लेकर सजदे में गए बुत तो जो हैं वो अब आपके अंदर हैं तुझे क्या मिलेगा नमाज में तो जिसम का जो हक था पहली चाबी का वो ये था कि आप उठना चाहें जिस्म कहें मैं तो यहीं पढ़ाऊंगा तो इससे मुराद ये होगी कि जिसम इतनी लजत पा रहा है सजदे में कि वो उठा तो आप फिर पुरानी दुनिया दिमाग की दुनिया में चले जाएंगे ठीक है दुनिया के एक आपका जो जिसम जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा और ठहर जाए यहां पर तो जिसम का ये हाल होना तो ख्वाब की आखिरी सीढ़ी पे आ चुके हैं आप <laughs> किस सीढ़ी पे आ चुके <laughs> ख्वाब की आखिरी सीढ़ी पर आंख खुल गई आप समझे मैं सपना देख रहा हूं आप उठ के बैठे उठ के खड़े हुए और नजारा जारी है तो आपकी ख्वाब की दुनिया पूरी हो गई क्या हो गया बात समझ जी। आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल गया इसके बाद आप फिर पांचवी या छठी में जाना पसंद करेंगे नहीं मैं पूछ रहा हूं ना ताकि बात समझ आ जाए तो जिसम ने लसत पाई खुदा की याद में और उठना चाहता नहीं है तो वो दिमाग को इजाजत नहीं दे रहा कि तू मैं उठूं और तू पुरानी दुनिया में चला जाए अच्छा यहां से ख्वाब की आखिरी सीढ़ी पे आप कदम रख दिया ख्वाब पीछे रह गई नजारा जारी है यहां ख्वाब की दुनिया पूरी खत्म होगी इसे कहा गया है मोहम्मद ने मोहम्मद साहब ने कि मोमिन का ख्वाब नबी के बराबर नहीं हो सकता नबूत का चालीस या चालीसवा हिस्सा है जेन में नहीं है इसका वक्त चालीस है या चालीसवा हिस्सा तो न सदीक न सोलहन चालीसवा हिस्सा कौन है ये कौन सा बोल रहे जी मैम मैं, मैं, मैं बोल रहा हूँ जी तो मैंने ख्वाब कहा नबूत का, का ख्वाब जो होता है ना मोमन का ख्वाब का चालीसवा हिस्सा चालीसवा हिस्सा वही मैं कह रहा हूं तो एक जगह पर चालीस और एक जगह पे चालीसवा हिस्सा जी। नजीक पहुंच वहीं गए हम। बात वही खत्म हो गई तो जब आप इसको कहेंगे मैंने ख्वाब देखी और आप थे रूहानी सफर में तो मामला गड़बड़ हो गया तो यहां यह बात भी वाजे होनी चाहिए कि आप मोमिन नहीं हैं बल्कि नबी हैं जी 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 ठीक है मैंने ख्वाब देखी अच्छा तो ख्वाबों की दुनिया पीछे रह गई उसके बाद दिमाग आ जाता है दिमाग दिमाग का यह है कि दिमाग कभी भी आराम से नहीं बैठता वो आप सो रहे हैं वो तब भी काम कर रहे हैं चौबीस घंटे चाहे आप थकावट में है खुशी में है गमी में है चौबीस घंटे उसको वो ऐसा सरकश घोड़ा है कि अनाड़ी आदमी को तो वो अपने ऊपर से गिरा देता है कभी आपने देखा या आप पे ऐसा वक्त आया कि आप आपने अपनी सोचों को बंद कर दिया कोई है यहाँ पे कोई है नहीं सवाल ही पैदा होता सोच तो बंद नहीं होता <laughs> सोच कैसे बंद होगी मैं बता दू यही तो पता ना कि सोच कैसे बंद हो गई इसी, इसी के लिए तो आते हैं खुदा के जिंदा पैगाम देने के लिए जो महात्मा बुद्ध ने चालीस साल की उम्र में पाया हमने वो बारह साल की उम्र में पा लिया वो जो नबूत मोहम्मद साहब को चालीस में मिली वो हर ताला ने हमें बारह साल में दे दी बुद्ध ने भी कोशिश की और मोहम्मद साहब ने भी कोशिश की मूसा ने भी कोशिश की सबने कोशिश की तो जो चालीस साल के बाद चाबी मिल गई कि सोच को कैसे बंद किया जा सकता है हमें वो चाबी खुदा ने मोहब्बत में बारह साल की उम्र में दे दी दो चीजें आपके सामने रखता हूं एक तो सोच बंद हो जाती है जब खालिश फिक्र अल्लाह की छा जाए खालिश फिक्र अल्लाह की छा जाए ईश्वर की छा जाए पबरू की छा जाए खालिश तो वो सोच इतनी दूर चली जाती है कि कोई और सोच बाकी नहीं रहती या जो तोहफे में कोई चीज मिलती है सोच को बंद करने की वो मोहब्बत इलाही की आग है मोहब्बत की वो इतनी छा जाए कि रोते रोते हिचकियाँ बन जाएं और आपकी सोच खुदा पर जाकर अड़ जाए फिर दूसरी सोचें ख़त्म हो जाएंगी उसने कहा था ना काम तो उसने भी बड़े ख़राब किए हैं लेकिन शेर अच्छा कह गया कि कितने मेहर अली कित तेरी सना ए मुश्ताक अखियाँ जा है। जी? ए, 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 तो जब मैं फुर्सत में बैठता हूँ जंगल में या रात को सर्दियों में घर के अंदर तो एक ही सजदे से खुदा की मोहब्बत लाही की फिक्र हर सोचों को बंद करके रख और अगर आपकी सोच बंद हो गई मोहब्बत इलाही में या खालि फिक्र अल्लाह में तो आपने दिमाग का भी इम्तहान पास कर लिया मैं आपको बताया जा रहा हूं आपने दिमाग का भी इम्तिहान पास, पास कर लिया तो अगर सोचे बंद नहीं हो रही नमाज में सईदों में और सोचो ही में सजदे में और सोचो में फिल्म देख रहे मोला जाट की तो समझ लें फेल है तो खुदा की फिक्र एक ऐसा अमर है अमर वाकिया है जो हर सोच को निकाल कर एक नुक्ते पर लेके आ जाता है या यूं कह लें कि वजन करने वाली मशीन है वजन करने से पहले सुई कहां पे खड़ी होती है जीरो पे जी। खड़े होंगे तो फिर वो वजन बताएगी वरना जीरो पे खड़ी होती है तो खुदा की सोच इंसान की दिमागी दौड़ों को सिफर पे लाके खड़ा कर देती है <laughs> ना सोच आए ना सोच जाए के फ्र अल्लाह के अंदर सोच जो है रुक गई सब सोचे खत्म हो गई आप दिमाग के घोड़े पे बैठ गए सरकश घोड़े को अगर कोई अच्छा चलाने वाला मिल जाए तो मंजिल पे भी बड़ी जल्दी पहुंचा देता है क्या खाला है जी <laughs> बात समझ में आ रही है दे आपकी अच्छा आप दो चाबियों की बात कर रहे हैं जिसम की तारीफ मैंने कर दी है और फिर दिमाग भी उसके साथ मिल जाए तो कश्यप की दुनिया शुरू हो जाती है मैं बता रहा हूं कि जब आप पे ये हालात आए तो आपको पता लगे कि ये कश्यप की दुनिया है ये ख्वाब की दुनिया है या अभी मैं कुछ भी नहीं जी, जी, जी. जिसम खुदा के ताबे होकर सजते में वो उधर लज्जत में गुम दिमाग फिक्र अल्लाह के अंदर गुम तो कश्य की दुनिया सामने आती है और ये दीवारें ये दुनिया का मादी दीवारें हटना शुरू हो जाती है बैठे यहाँ हैं किताब यहाँ लिख रहा हूँ और ये जहाँ पे बैठा हूँ ये सब कुछ उठा के खुदा की मोहब्बत जन्तों में बचा देती है तो किताब फिर मैं जन्नत में लिख रहा हूँ उन बहारों को मुशाह करके जो मैं लिख रहा हूँ खुदा का नूर दे के लिख रहा हूँ खुदा का दीदार दे के लिख रहा हूँ तो क्या वो दुनियाई किताब होगी फिर गरमाइश मोहब्बत जब ठंडी होगी तो फिर कश्यप वापस लेके आएगी आपको पुरानी दुनिया में <laughs> कहा लेके आएगी पुरानी दुनिया तो लिखने के अंदर एक ऐसा वक्त आता है कि आग जो है दिल से निकलती है तो नूरी सालों को भी पीछे कर देती है इस मादी दुनिया को भी पीछे कर देती है और आपको उन जनतों में जो कभी आप ना जाने खरबों सालों में पहुंचे आपको कुछ लहमों में ही वहां मंजिल पे पहुंचा देती है तो फिर वो मोहब्बतें वो आहें वो सोचें जो फिक्र अल्लाह पे थी फिक्र और वो जो सजदे की लज्जत वो जब ठंडी पड़ती है तो फिर आपको वापस मोड़ कर आपके कमरे में लाके बिठाती है <laughs> आप ठीक है तो, समझ लें आपने दिमाग की दुनिया का भी इम्तहान पास कर लिया मुराद ये कि अब आप में वो कुत पैदा हो गई अपने खुदा से कि जब चाहे इस दुनिया की सोच को बंद कर दे जब चाहे आखरत की दुनिया में कदम रख दे आय हाय जब चाहे इन दोनों दुनिया से निकल जाए इसे कश्यप कहते हैं तो फर्क कर लेना आइंदा जब क्योंकि आप माशाल्लाह नबी भी हैं और खुदा आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी लेकिन हर चीज जैसे मैंने यूनिवर्सिटी देखी जन्नत में तो उस पर जो लिखा था वो देख के मैं रो पड़ा वहां पे लिखा था खुदा का नाम पहले फिर नीचे लिखा हुआ था आह वो मेरे होते <laughs> खुदा के मतलब लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी पे यानी सब कुछ बताया खुदा के मुताल जा रहा है लेकिन वहां लिखा ये था आह तू मेरा होता तो खरबो यूनिवर्सिटियाँ खरबो जन्नतें होंगी वहां पे फिर भी ये लिखा हुआ है आह तू मेरा होता तो पता लगा अभी वो खुदा उनका हुआ नहीं, नहीं है तो कौन सी चाबी रह गई पीछे दिल की चाबी पता नहीं जी अभी तो दिल के पहले से भी और चाबियां हैं अभी आपको लेके चल रहा हूं आप छलांग ना मारे दिल पे तो अगर कोई सात चाबियों में एक चाबी की चाबी की भी कमी रह गई तो फिर वापस आना पड़ेगा फिर जिसम नहीं होगा जिसम कबर में सड़ गया हो गया गल गया होगा हनुमान भी आप कई हजार साल से अपना जिसम तलाश करता है तो बेचारा देर हो गई रूह की दुनिया में इन्होंने आग में जला दिया उन्होंने कहा बंदा मर गया उसकी रूह तड़पती है आज भी <laughs> तो आपको समझ लग गई कि जिसम की दुनिया ख्वाबों की दुनिया हुई खालिश अल्लाह की फिक्र छा गई तो कश्यप की दुनिया शुरू हो गई इस वीडियो को बार बार सुनना ताकि आप देखे ना आप कोई उदा लेते हैं जैसा मैं ये पाकिस्तान ये टाइम जो है अखबार ये इंग्लैंड का है ये टाइम्स जी अमेरिका भी है वो उसमें न्यू न्यूयॉर्क न्यू हाँ उसमें लिखा हुआ है कि हाउ आर यू स्टेफन ओके उसमें लिखा हुआ है उमरान का एक तबसरा हुकूमत लेने से पहले हुकूमत की एजुकेशन ली जाए ट टू हैव टेक एप यू वॉन्ट विश टू हैव ए पावर फर्स्ट यू हैव टू बी एजुकेटेड हैकूमत का सदर बनने से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो पहले सीखी जाए तो क्या ये रहा था कि मैं सबसे बड़ा फेल हूं मैं फेल हो गया हकूमत ले ली फौज के बल बोते पे और तरबियत हुकूमत की कोई भी नहीं है तो फेल हो गया तो इसी तरह चाबियों को ना समझे तो अपनी रूह को कैसे कंट्रोल में करेंगे आखिरत में यू डोंट अंडरस्टैंड द खीस विच गॉड गेव यू यू कैन स्टेरिंग योर स्पिरिट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड चाबियों को नहीं समझ सके थ्योरी और प्रैक्टिस को नहीं समझ सके तो आप फिर उस रूह को कंट्रोल ही नहीं कर सकते आपको कौन देगा जंबो जेट की चाबी आपको के लो जी उड़ते फिर तो दो चाबियों की तो समझ लगी कि नहीं लगी जी जी जी, जी बिल्कुल जिसम की दुनिया की वसत जो है वो ख्वाब है ठीक है जी। और कशब की दुनिया का ताल्लुक फिकर अल्लाह का ताल्लुक जो है वो दिमाग से है जैसे सैयद साहब कह रहे थे कि एक सवाल ही नहीं पैदा होता लेकिन एक चाबी है अल्लाह की फिक्र या अल्लाह की मोहब्बत हर सोच को रोक देती है तो इस वैरायटी से आपने बात करनी है कि मेरी कशप हो गई तो उसमें फिर देखना कि ये फर्क अगला मरहला आ गया चाबी का शौर कॉन्शियसनेस शौर क्या चीज है जी दो दो इम्तिहान पास कर लिए आपने जिसम भी आपने उसको वहां पहुंचा दिया जहां जिसम आपका स्टेरिंग उसने दिल का स्टेरिंग समाल लिया जिसम ने वो ऐसी खुदा की लजत पा गया फिर आपका दिमाग भी फिक्र अल्लाह से पास हो गया दो चाबियां आपके पास हो गई तो सोए हुए हैं ख्वाब देखी ख्वाब में ही रहे ये अलहदा है मजमून खालिश फिक्र अल्लाह पे जो चाबी है वो होगी कश्यप की थर्ड चाबी क्या है शूर शूर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो खुदा जब शऊर में था तो उससे पहले कौन सी स्टेज थी आप मुझे बताए ताकि अगली चाबी का अगली दफा बयान हो वक्त कम रह गया शौर में था हाँ जो पढ़े लिखे लोग होंगे साइंटिस्ट होंगे वो कहेंगे शोर में ही तो आया तो वो ऐसे भी बात कर लेंगे जब बेबी पैदा हुई तो शोर में थी या नाशौर में बेबी बेटी पैदा हुई बेटा पैदा हुआ वो शौरी हालतों में था या ना शोरी हालतों में मैं शोरी हालतों में था या आते के साथ ही प्रोफेसर बन गया शौरिया बिल्कुल जी लाशौर <coughs> इंसानी बच्चे पे शोर में आने के लिए वक्त चाहिए कि नहीं चाहिए जी। चाहिए? जी। और खुदा जी। जी। ये कह रहा है कि आई क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज मैंने इंसान को वो सब कुछ दिया जो मेरे पास है तो पता लगा खुदा भी शोर में आने से पहले लाशोर था दो चीजों का फर्क करके खुदा की शऊरी हालत यूनिवर्सल कॉन्शियस ठीक है और अनकॉन्शियसनेस पे को बीच में लाकर शऊर को बात करेंगे हम अगली दफा याद दिलाना आपका काम है कबड्डी कबड्डी करना मेरा काम है जी हुजूर ठीक है जी याद दिला देंगे फिर शुरू कर देंगे तो ये शुक्रिया जरूर बहुत शुक्रिया याद कराएंगे तो मैं शुरू करूंगा कबड्डी 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 हाथ लगाना जी मेरा काम हाँ. हाँ. तो, 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 है लवली सर बैठ हां हां सोको स्प्रेकन तो क्वेश्चन है हां जी एक छोटा सा क्वेश्चन है विवास denn heute so war ये कितने लोग आ ये ये आवाज अच्छा क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं ये, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि uh, मेरा पॉइंट ये था कि जब शोर में जो आप बात कर रहे हैं जब खुदा की याद में बिल्कुल इंसान बिल्कुल लच से कि खुदा के सामने खड़ा है और फिर भी इंसान का जो जहन है, है। वो, वो तो काम करता ही रहेगा वो देखे वो ये सोचेगा कि अब मैं किस तरीके से इस अपने खालक इस अपने हबीब को तो तो इसकी जल्दी से तरीके हाँ समझ गया मैं जल्दी से जवाब दमान तो काम उस वक्त भी करता रहेगा मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ वे हम आज रात नहीं अन स्नेह सोच का काम करना या ना करना शोर का काम करना या ना करना ये चाबियां सारी होती हैं है। जहाज के लैंडिंग के वक्त आप कोई और गेयर लगाएंगे दीज़ीज़ी व... टेक टेक ऑफ करेंगे तो कोई और गेल लगाएंगे तो राइट करेंगे तो कोई और अपना जाविये से घुमाएंगे स्टेरिंग को सारी चाबियां होंगी तो खुदा के पास पहुँच कर जब खुदा के हजूर पहुँचता है तो ये सारी चाबियाँ खोई जाती हैं रू बेताब होकर कहती है तेरे बोसे ले लूँ और तू मेरा रब है ये ये रूह की हालतें हैं ये ना शोर की हालत है ना अकल की हालत है <laughs> कभी आप पहुँचेंगे ना फिर आपका फिर वहाँ पहुँच के आप सब कुछ भूल जाएंगे यहाँ ये तो जी बात अब कर रहे हैं ना कि जब आप इस दुनियाई चाबियों में जी, जी जी, जी वैसे ही है वहां, वहां, वहां पहुंच, पहुंच, पहुंच के आदमी सिर्फ देखता ही रह जाता है वो बेताब हो जाती हैं और कभी चूमता है कभी कि ये लहमे ठहर जाए ये लहमों ने भी फंसा दिया या कुछ घड़ियाँ ठहर जाए ये हालत और है तो मुझे पांच मिनट दे दे हजूर इस वीडियो का नाम सिक्स एक्स पार की, पार की पार्ट वन कर दीजिएगा बस सिक्स सिक्स की पार्ट वन सिक्स कीज पार्ट वन की पार्ट वन ठीक है okay. सिक्स मैं मैं लिख लूँ ताकि मुझे भी भूलने की बड़ी आदत है ये सिक्स की है सेवन की है पार्ट वन इस तरह कर दीजिए बस जी सेवन की सेवन की पार्ट थ्री हो गया क्योंकि जिसम पार्ट वन सर ये ऐसे आगे और भी वीडियो बनेंगे ना एक आ, और है। आ, है। seven seven या तो बनेंगी हाँ बिल्कुल ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है की पार्ट भाई आप तो मेरे से भी बड़े जहीन हैं आपको तो रब जल्दी मिलना चाहिए अच्छा नाउ यू टेक ओवर मुझे बस चार पांच मिनट दे दे हम फिर शुरू करने लगे ठीक है जी